प्लीज गाइस। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, गाड़ी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और देख सकते हो इधर गाड़ी जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और ये हम ही से हुआ है। ये देख सकते हो, ये सब पूरा घुस गया। तो अभी कंपनी का गाड़ी आया है, कंपनी में जाएगा, महिंद्रा कंपनी में। अब देखते हैं गाइस के इंश्योरेंस वाला क्या इसमें रिस्पॉन्स देता है और कैसे गाड़ी बना के देता है। तो ये भैया ड्राइवर साहब आ गए हैं अपना गाड़ी लेके टोचन करने के लिए। यहाँ से टोचन करके बाबतपुर गाड़ी जाएगा और अभी दूसरा गाड़ी बुला के जो मेरे में सामान लदा हुआ था उसको खाली करवा रहे हैं इस गाड़ी में। अचानक से एक ट्रक वाला ब्रेक मार दिया, उसी के बदौलत गाड़ी जाके उसमें लड़ गया। तो होते रहता है, खैर क्या किया जाए। अब आप सोच सकते हो कि नया नया गाड़ी था, कितना टेंशन होगा मेरे ऊपर इस टाइम। उसके बाद गाइस बता दें किस्त इसका 18,000 रुपये, जैसे आप सबको पता है 18,000 महीने किस्त है। अब क्या नहीं होगा, क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। फिलहाल तो अभी कंपनी जाने वाले हैं, कंपनी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है और क्या क्या कागजी कार्रवाई करते हैं वो सब। अभी तो बोले हैं कि कंप्लेन करिए थाने में जाके, उसके बाद फिर पहले गाड़ी पहुँचा देंगे, उसके बाद फिर कंप्लेन करेंगे थाने पर जाके। उसके बाद थाने से जो कंप्लेन करने के बाद जो कागज़ मिलेगा वो कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी को जाके दिखाएंगे, यही होता है ना भैया। तो यही सब काम है। तो अभी पूरा काम बाकी है, अभी तो फिलहाल भैया आए हैं गाड़ी यहाँ से लेके जाने के लिए। फिलहाल ये रिंग देख सकते हो, रिंग का हालत क्या है, पूरा टेढ़ा हो चुका है। और इधर से सीधा करो, उधर काटो, और काटो, और काटो, हाँ और थोड़ा सा काटो। हे गाइस, तो अभी गाड़ी देख सकते हो ऊपर उठ चुका है। तो अभी जाएंगे हम लोग थाने में, थाने में जाके एक FIR करना पड़ेगा कि भैया ऐसा ऐसा बात हो चुका था आपके थाने के क्षेत्र के में। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। कंपनी जा रहे हैं अभी फिलहाल, यहाँ से इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे कंपनी में। और ये पोषण भाई बहुत उदास हो चुका है, कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हो, किस्मत है, हो गया हो गया, अब क्या किया। तो सोच सकते हो ड्राइवर लोगों का ज़िंदगी यही है, कभी भी मर सकते हैं हम लोग गाइस। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, आप सबको पूरा दिखाएंगे। हे गाइस, तो पहुंच चुके हैं कंपनी, महिंद्रा कंपनी में अभी पहुँच चुके हैं। गाड़ी मेरा उतर रहा है, देख सकते हो पूरा ऐसा जो गाड़ी खड़ा है वो पूरा एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो मेरा महिंद्रा से इंश्योरेंस है गाड़ी का, देखते हैं क्या होता है महिंद्रा में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुका है और कल का जो सीन था, कल कोर्ट भी गए और मतलब कोर्ट पे जाके लिखा पढ़ी करने के बाद वहाँ पे जमा हो गया गाड़ी। तो इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ी जमा करने के बाद हम लोग घर आए तो मम्मी बहुत टेंशन में है अभी भी, क्योंकि मम्मी इसलिए टेंशन में है कि पैसा का दिक्कत है, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी बहुत कल घबरा गई थी, क्या सोच रहे थे माँ? तो अभी तो पैसा बनना बहुत जरूरी है, क्या होगा। तो पैसा का बहुत दिक्कत है, आप सोच सकते हो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, 50,000 रुपये लग रहा है कंपनी में, क्योंकि इंश्योरेंस है और कमर्शियल गाड़ी में इंश्योरेंस हाफ इंश्योरेंस होता है, मतलब फुल इंश्योरेंस, जीरो डिबिट का इंश्योरेंस नहीं होता है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो 50,000 रुपये का नुकसान हो गया गाड़ी में, क्या करेंगे, ज़िंदगी बच गई वही बड़ी बात है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और ऐसे प्यार बनाए रखिए। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कंपनी, कंपनी पे जाके देखते हैं कि क्या काम वहाँ पे चालू हुआ है कि नहीं, और पैसा भी वहाँ पे जमा करना है गाइस। तो प्लीज़ गाइस, और कि कैसा लगता है वीडियो, और एक्सीडेंट होने के बाद तो आप सोच ही सकते हो कि क्या दिक्कत हो सकता है। इस टाइम हम लोग नए नए गाड़ी लिए थे, आप लोग के साथ पूरा हर एक चीज़ शेयर किए कि नया गाड़ी लिए गाइस, चला रहे हैं उस चीज़ से, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा था हम लोग के पास, और सब कुछ देने के बाद 2-4-5 हज़ार रुपये घर में बच भी जाता था। तो ये सब हो रहा था, सीन सही चल रहा था सब कुछ,
लेकिन ऐसा दुर्घटना घट गया कि क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग सब कुछ देख ही रहे हो और आगे भी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे कैसे गाड़ियों बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, महिंद्रा कंपनी वाले क्या सपोर्ट हम लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार ये वीडियो पता नहीं कैसे आपको लोगों को अच्छा लगेगा कैसे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दुख का बात है कि हादसा हो गया है, तो आप लोग कमेंट करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग को शेयर करें इस वीडियो को। यार थोड़ा सा गलती क्या था मेरा, गलती ये सोच लीजिए कि अगला जो ट्रक वाला था झटके में ब्रेक मार दिया और मेरा पीछे गाड़ी था कंट्रोल में नहीं कर पाया, मतलब मेरा गाड़ी 60 के स्पीड में था, 60 के 55 के स्पीड में था, फिर भी मुझसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत तेज़ी में अचानक से गाड़ी उसका रुक गया। आप सोच सकते हो उन लोगों का ट्रक वाले का इतना हार्ड ब्रेक होता है कि जहाँ भी ब्रेक मारेगा वहीं गाड़ी खड़ा हो जाएगा उन लोगों का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो मम्मी अभी बहुत टेंशन में है, तो मम्मी खुद हमको बता रहे हैं कि बेटा टेंशन मत लो, हम अभी जिंदा हैं, कहीं ना कहीं से कुछ अरेंजमेंट करके तुम्हारा गाड़ी बनाया जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, बस तुम टेंशन में रहो मत रहो और तुम्हारा जो टेंशन है वो हम है, तुम टेंशन मत लो, मम्मी बार बार ये हमें बता रही हैं। तो आप सब सोच सकते हो कि फैमिली यार एक साथ रहने में कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली का, और मम्मी है मेरा और कोई ज़िंदगी में है नहीं कि इससे प्यार नहीं करते हैं हम सिर्फ मम्मी को छोड़ के, आप ये सोच लो। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। कुछ बोलना है? क्या बोलेंगे, दुख का बात, ठीक है, बाय बाय।